अचानक से माइनस में चला गया है तो यही है अब अब ज़मीन दिखना बंद हो जाएगी मिट्टी नहीं दिखेगी अब हर तरफ वाइट ही वाइट होगा स्नो स्नो होगा ऐसा चलेगा कम से कम फर्स्ट ईयर में क्या कुछ सब्जेक्ट्स होती हैं क्या टाइमिंग होते हैं कितने क्लासेज लगती हैं यहाँ पे जीने के लिए चाहिए बोलना हर जगह बोलना तो तो बच्चा है ये हेलो गाइज इट्स मिसलैन आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ़ औरंगब स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो गाइज स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वाट आर द सब्जेक्ट्स इन आवर फर्स्ट ईयर एम बी बी एस इन औरट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो गाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कमेंट्स थे कि फर्स्ट ईयर में क्या कुछ सब्जेक्ट्स होती हैं क्या टाइमिंग होते हैं कितने क्लासेज लगती हैं तो बेसिकली आज डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स क्या कुछ सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में तो so, हमारे फर्स्ट ईयर में कुछ मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं और कुछ नॉन मेडिकल हैं मेडिकल में आ जाते हैं एनाटॉमी बायोलॉजी नर्सिंग और हिस्टोलॉजी और नॉन मेडिकल में आ जाते हैं बायोसैट्स बायो फिजिक्स रसियन लैटिन और फिजिकल एजुकेशन तो वैसे तो सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेनली मेडिकल वाले जो सब्जेक्ट बताए हैं वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी अटेंडेंस तो सारों में लगानी है हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए यहाँ पे अगर कोई क्लास मिस होता है देन उसका अलग प्रोसीजर है कि अतराव का करके होता है कि वो क्लियर करने होते हैं तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी फ़िलहाल बात करते हैं सब्जेक्ट्स तो मेडिकल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी वो है अनाटोमी यहाँ पे आने से ही पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस चीज़ से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टार्टिंग होती है कैडेवर पे विजुलाइज करा के ही पढ़ाई जाती है तो फर्स्ट यहाँ पे होती है चैप्टर है ऑस्ट्रियोलॉजी जिसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं हमें एग्जाम में तो ऐसा होता है कि कोई सा भी बोन दे दिया जाता है हमें बताना होता है कि ये कौन सा बोन है उसको सही से पकड़ना होता है कि बॉडी में कैसे सिचुएटेड है वैसे करके फिर उसके बाद से होते हैं मायोलॉजी जिसमें मसल्स के बारे में पढ़ाई होती है सारे मसल का नाम याद करना होता है इंसन ओरिजिन ये सब और उसके बाद से आता है आर्टरी वेन वो पढ़ना होता है स्पैक्योलॉजी आता है जिसमें इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ाई करनी होती है फिर आता है अपना सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पी एन एस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ये सब तो गाइज ये सब एनाटोमी की हो गई फिर उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी की तो हिस्टोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और उसके बाद आते हैं हमारे नर्सिंग ये इंजेक्शन या फिर बैंडेजिंग ये सब चीज़ें पढ़ाई होती हैं कैसे करते हैं वो और फिर आते हैं हमारे बायोलॉजी बायोलॉजी तो मेनली 11, ट्वेल्थ के ही चैप्टर्स हैं कुछ थोड़े से डिफ़र करते थोड़े से नए हैं तो हो गई बायोलॉजी जिसमें सारों में पास होना होता है और क्लासेस तो करनी ही है और क्लास के पहले लेक्चर भी होती है जो कि अटेंड करनी होती है क्योंकि ऐसा है कि क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन चालू हो जाता है टीचर के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं टीचर पढ़ के जाना होता है खुद से क्लास में डिस्कशन होती है और क्लास के पहले जो लेक्चर होती है उसमें पढ़ाया जाता है तो वही नोट्स भी बना सकते हैं उसमें और फिर जो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि रसीम उसकी भी अलग ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो तो एक जीने के लिए यहाँ पे जीने के लिए ही चाहिए बोलना हर जगह बोलना होता है और दूसरी यह है कि क्लासेस जो हमारी थर्ड ईयर से स्टार्ट होती है वो मेनली ये हॉस्पिटल में स्टार्ट हॉस्पिटल में लगती है तो वहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए या फिर पेशेंट से इंटरेक्ट करनी है तो रशियन जाननी ही पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश सारे लोगों को नहीं आती है यहाँ पर तो ये ऐसा है बाकी लैटिन है तो लैटिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बहुत सारी सबमिट कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो सब लैटिन में ही होती हैं बाकी इसका बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज है आगे चल के बहुत सारे चीज़ों का नाम भी लैटिन में ही होती है तो ऐसा है बाकी बायोसेट्स बायो, बायो फिज़िक्स ये सब चैप्टर्स है और फिर आता है फिज़िकल एजुकेशन वो काफ़ी सही रहती है यहाँ पे हमारे कॉलेज का जिम भी है तो जब क्लास होती है तो बहुत बार वो जिम में भी लगते हैं तो मैं ट्राई करूँगा दिखाने का या फिर बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं तो गए जु कैन चेक इट आउट बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन में वही पीटी जैसा क्लासेज होती हैं तो यही सब है ये सब सब्जेक्ट्स हो गए और स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जानना ये चाहते हैं कि क्या कुछ बुक्स हैं जो इंडिया से आते टाइम लाने चाहिए तो मैं बताऊंगा कि बुक्स ये तो यहीं पे मिल जाएगा ये प्रीफ्स है यहाँ के लाइब्रेरी में मिल जाती है ये जो बुक है ये रसियन बुक की ट्रांसलेशन है तो ये काफ़ी सही है हमारेमी क्लास के लिए बाकी हिस्टोलॉजी की इंद्रवीर सिंह की ये जो बुक है इ, दिस यू कैन कैरी बाकी इन रशियन सब्जेक्ट्स की जो बुक होती हैं वो सब लाइब्रेरी में ही मिल जाती है तो ये सब कुछ बुक्स हैं जो कि चाहिए है बाकी सब मैक्सिमम तो यहाँ पे सॉफ्ट कापी से ही हो जाते हैं काम सारे जो सब्जेक्ट हैं उसके पीपीटी के फॉर्म में मिल जाते हैं सॉफ्ट कापी तो उसी से हो रही है काम और बाकी एक, एक एटल्स नेटर की बुक होती है वो एटलस की बुक भी लानी चाहिए इंडिया से क्योंकि इसमें मैक्सिमम फोटोज़ होती हैं तो फोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विजुलाइज करने के लिए वैसे तो कैडेवर पे क्लास लगती है तो वैसा कुछ नहीं फिर लेकिन इसमें ऐसा है कि डायग्राम पे लेबलिंग बहुत सही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बुक चाहिए बाकी मैक्सिमम तो पूरे कैडेवर पे ही पढ़ाई होती है और प्रैक्टिस भी कर बोलते हैं टीचर कि आप शाम में ऐसे टाइम निकाल के प्रैक्टिस करने आओ विजुलाइज करने आओ क्योंकि तो एनोटोमी फुल विजुलाइज करने की सब्जेक्ट्स है तो वही सब गाइज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो चैनल पे ही मेंशन है और क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं तो गाइज आज के लिए बस इतना ही मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय